इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया, वो तेरे लिए दिल कुड़ियों का बाउंस कर दिया। यही सोच रहे हो ना मैं स्पॉन कैसे हुआ, मेरा नहीं जान सकते लेकिन थ्रेड स्पॉन कैसे करनी है वो बताता हूँ तुम्हें। देखो तुम्हें मल्टीपल थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट बताया था, अब तुम्हें बताता हूँ कि धागे इतने सारे लाने कहां से हैं। थ्रेड स्पॉन करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, थ्रेड कोलन कोलन स्पॉन, इट्स अ फंक्शन जो एक्सेप्ट करता है क्लोजर। अब क्लोजर कैसे बनता है, दो पाइप साइन एंड कर्ली ब्रेसेस, धागा स्पॉन हो चुका है। अब एक काम करते हैं, दो धागे बनाते हैं और फिर उसके बाद डेटा को एक धागे से दूसरे धागे भेजेंगे। उसके लिए यूज होते हैं चैनल्स। सो हमें सबसे पहले एक चैनल यूज करना पड़ेगा जो कि आएगा अपना सिंक एमपीएससी चैनल में से। इसमें से हमें दो चीजें निकालनी है, एक सेंडर एक रिसीवर ऑब्वियसली, राइट, टीएक्स आरएक्स इसको नेम देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बनाते हैं हम सेंडर, धागा स्पॉन किया उसके अंदर हम क्या करेंगे tx.send, सेंड क्या करेंगे कुछ भी सेंड कर दो, दिस इज सम डेटा। इसमें क्या डेटा हमें धागे पे मूव करना पड़ेगा, तो हमें यहां से मूव कीवर्ड लगाना पड़ेगा, डन हो गया। सेम एक ऐसे रिसीवर का धागा बनाना है, रिसीव और इसमें आ जाएगा rx, यही चैनल थे ना हमारे, एक tx और एक rx जो निकाला था ऊपर से, ये देखो बस। रिसीवर में हमें क्या करना है, रिसीव और एरर हैंडलिंग में लगा दो नॉट एबल टू रिसीव। अब इसका जो भी डेटा वहां से मिला हमें उसको डालते हैं हम वैल्यू में एंड इसको कर देंगे हम प्रिंट। अब हमने क्या किया, सेंडर से डेटा भेजा रिसीवर को, दोनों अलग अलग धागे हैं, ठीक है। अगर इसको रन करूंगा तो ये डेटा दिखा नहीं रहा, पता क्यों, क्योंकि थ्रेड की एग्जीक्यूशन के लिए वो वेट नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेंडर थ्रेड है हमारी उसके साथ एक जॉइन फंक्शन लगाना पड़ेगा सो दैट वो रुका रहे जब तक कि थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। रिसीव के साथ भी सेम करना पड़ेगा। अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो दिस इज सम डेटा एंड ऑल सेट।